नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इंदौर से विभिन्न क्षेत्रों तक आवागमन का अभी प्रमुख साधन बस है। निमाड़ और मालवा के सुदूर क्षेत्रों से विभिन्न लोग प्रतिदिन जो सैकड़ों की संख्या में चल रही बसें हैं उनमें यात्रा करते हैं। आदिवासी क्षेत्रों को इंदौर से जोड़ने के उद्देश्य से दाहोद इंदौर रेल परियोजना का 2008 में शिलान्यास किया गया था। 14 वर्ष बीतने के बाद भी इस परियोजना काम कितना हुआ है हम समय समय पर आपको बताते रहते हैं। इस परियोजना का शुरुआत में जब सेक्शन हुई थी उस वक्त 800 करोड़ की लागत से निर्माण किया जाना था, जो कि बढ़ते बढ़ते वर्ष 2012 में जब इसका डिटेल्ड एस्टिमेट स्वीकृत हुआ 1640 करोड़ रुपये। अब वर्तमान में जानकारों के अनुसार इसकी लागत 2400 करोड़ रुपये के ऊपर पहुँच गई है, लेकिन केवल इंदौर से टिही की कुल 21 किलोमीटर लाइन ही बीच पाई है। इसकी जो सुरंग पीथमपुर के पास बन रही है उसका कार्य काफ़ी लंबे समय से अटका पड़ा है। वहीं गुणावत के पास अर्थवर्क संबंधी कार्य किया जा चुका है। रेलवे बोर्ड के द्वारा इसको होल्ड किया गया था, वहीं गत दिसंबर में होल्ड स्टेटस हटाया गया। इसके जो टेंडर थे शॉर्ट टर्मिनेट कर दिए गए थे, अब उनके फिर से खुलने का सिलसिला शुरू हो गया है। हमने आपको पिछले दिनों दाहोद से कतवारा के बीच के एक महत्वपूर्ण टेंडर की जानकारी दी थी। वहीं जैसी कि उम्मीद थी, रतलाम मंडल के निर्माण विभाग की इंदौर चीफ इंजीनियर के हवाले से कल शाम को एक टेंडर जारी हुआ है, जो कि इसी सेक्शन के महत्वपूर्ण कार्यों से संबंधित है। 143 करोड़ की लागत का यह टेंडर अर्थवर्क, ब्लैंकेटिंग, फार्मेशन, यार्ड, ब्रिज, पहुँचने के मार्ग, बड़े छोटे पुल, पुलिया आदि के निर्माण से संबंधित है। लूप लाइन, पॉइंट क्रॉसिंग, सेक्शन यार्ड, ट्रैक लिंकिंग सहित अन्य कार्य इसमें किए जाने हैं, जो कि टीही से गुणावत के पूरे 32.65 किलोमीटर सेक्शन के बारे में जारी किया गया है। तो यह महत्वपूर्ण टेंडर अब खुल चुका है, इसका कि 15 महीने पूरा करने की अवधि जो टेंडर में दर्शाई गई है। अब आने वाले समय में गुणावत से आगे की ओर के भी टेंडर जारी हो सकते हैं, ऐसी पूरी की जा रही है। उस सेक्शन में अभी बिल्कुल भी कार्य नहीं हुआ है, केवल जमीन अधिग्रहण संबंधी जो कार्यवाही थी वह तिरला तक पूरी कर ली गई है। इसके बाद आगे की रूपरेखा बन सकती है कि कितनी अवधि में आगे का कार्य किया जाएगा। बहरहाल जो महत्वपूर्ण टेंडर खुलने का हम सभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे वह अब खुल चुका है, तथा इससे आने वाले समय में जब यह टेंडर अलाट हो जाएगा उसके 15 महीने के अंदर संबंधित एजेंसी इस कार्य को पूरा करेगी। एक और बात ध्यान देने वाली यहाँ पर है, यह कार्य टिही से गुणावत के बीच में केवल ट्रैक से संबंधित कार्य है, तथा इसमें टनल का कोई उल्लेख नहीं पाया गया, यानी कि टनल का टेंडर अलग से जारी किया जाएगा। तो उम्मीद कर सकते हैं कि इन टेंडरों के जाने अब जल्दी ही यह कार्य फिर से शुरू होगा, तथा 15 महीने जैसी कि अवधि इसमें दर्शाई गई है, और रेलवे के अनुसार 2 साल की अवधि जनवरी से हम मान के चलें तो 2 साल के अंदर अंदर यह सेक्शन बनकर तैयार हो सकता। पर्याप्त बजट इसके लिए उपलब्ध है, तथा आने वाले समय में भी काफ़ी अच्छा बजट इस पूरी परियोजना को मिल सकता है। तो उम्मीदों को फिर से पंख मिल चुके हैं, तथा जो महत्वपूर्ण बात थी वह आपसे हमने शेयर की है। वीडियो पसंद आया हो तो अपने मित्रों के साथ साझा जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।